गुड इवनिंग एवरीबडी। गुड इवनिंग सर। आज एक असाइनमेंट पोस्ट किया था मैंने, क्या आपको मिल गया सबको? जतिन, अंशु, नितिन, व्हाट्सएप पे डाला था मैंने एक असाइनमेंट, डिड यू गेट? यस सर। ये डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर है, डायमेंशनल एक्सप्रेशंस, डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में हमने लास्ट बात की थी लास्ट क्लास के अंदर, और कुछ क्वांटिटीज हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनकी हमने जो डायमेंशंस है वो फाइंड की थी। इस प्रकार से देयर आर लॉट मेनी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस निकालने को आता है। ठीक है, तो इनकी डायमेंशंस आपको फाइंड करनी है, असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। फिर डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी की हो जाएगी डायमेंशन एम एल माइनस सी। ठीक है, फिर एक क्वांटिटी होती है लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, तार होती है जैसे वायर है, ठीक है, उस वायर की लेंथ पे मास फैला हुआ है, तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं एम अपॉन एल। ठीक है, सो दिस लीनियर मास डेंसिटी, इसके डायमेंशन हो जाएंगे एम एल माइनस वन। एक क्वांटिटी होती स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो फोर्स अपॉन एरिया, इसके डायमेंशन हो जाएंगे, प्रेशर के डायमेंशन ही होंगे इसमें एम एल माइनस वन पी माइनस टू। ठीक है, एक क्वांटिटी होती स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये लेंथ अपॉन लेंथ है, दिस इज लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या होगी, ये तो रेशियो होगी, इसमें तो कोई डायमेंशन ही नहीं आएगी, तो ऐसी क्वांटिटीज की भी डायमेंशन कैसे देंगे आप? ठीक है, इसको हम सिंपल लिखते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेस इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एप्सिलॉन से, या कोई भी सिंबल आप लिख सकते हैं, स्ट्रेन खुद भी लिख सकते हैं आपके, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। फिर एक क्वांटिटी होती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये पूरा चैप्टर है, आगे सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक क्वेश्चन में इसका जिक्र आएगा, तो उसमें हमें इसको यूज करना है, इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंटेड बाय वाई एंड दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब क्योंकि स्ट्रेन जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यंग्स मॉड्यूलस के जो डायमेंशंस होंगे वो स्ट्रेस वाले ही होंगे, तो इन अदर वर्ड्स
y, this is Young's modulus, which is equal to m 1 l minus 1 t minus 2. प्रेशर वाले ही होंगे इसके डायमेंशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें आती हैं बीच में। फिर एक क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो फ्लो होती है चीजें उस पर आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब किसी भी लिक्विड के बहने की एबिलिटी, कितना वो बह आसानी से बह सकता है। अगर लिक्विड पतला है, पानी एकदम से बह जाता है, ठीक है। थोड़ा ऑयल ले लो, ऑयल थोड़ा थिक होता है, थोड़ा धीरे से बहता है, ठीक है। उसके बाद और गाढ़ा ऑयल ले लो या ग्लिसरीन ले लो और स्लो जाएगी, ठीक है। शहद ले लो, शहद को देखा होगा आपने, बहुत स्लो गिरता है, ठीक है। तो जैसे जैसे लिक्विड की फ्लोएबिलिटी कम होती जाती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। तो जो ज्यादा जो लिक्विड ज्यादा विस्कस है वो धीरे स्लो कर धीरे फ्लो कर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसको कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेस, लिक्विड पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट जो उसमें डिफॉर्मेशन आ रही है वो किस स्पीड से आ रही है, ठीक है। उसको स्ट्रेन रेट कहते हैं। तो स्ट्रेन खुद तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रेट्स का मतलब अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम होगा, ठीक है। स्ट्रेन रेट मीन स्ट्रेन पर यूनिट टाइम, और मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो जो यहाँ डिनोमिनेटर में क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में आती है वो फिर ऊपर चली जाती है। सो दिस इज स्ट्रेस इनटू टाइम। तो ईटा की जो यूनिट वो होंगे, डायमेंशंस होंगे, स्ट्रेस के डायमेंशंस क्या होंगे, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू टाइम के हो गए टी, तो हो गया आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दीज आर द डायमेंशंस फॉर विस्कोसिटी, दैट इज ईटा। ये चीजें समझ में आई? यस सर, यस सर। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो आगे आएंगी जैसे जैसे चैप्टर कवर होंगे, ठीक है। मगर अभी जो हमें डायमेंशनल एनालिसिस में क्वेश्चन हमें जो यूज करने हैं, जो बीच में आएंगे क्वेश्चन, उनके अंदर इनकी रिक्वायरमेंट आएगी, तो उनको हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ यूनिट्स, क्या सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या कहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के जो यूनिट्स हैं वो होमोजेनियस होंगे। यदि किसी भी एक्सप्रेशन में एक क्वांटिटी के यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट के हैं तो दूसरा चौथा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारे डिस्प्लेसमेंट के ही यूनिट्स उसमें आएंगे। अगर एक क्वांटिटी के यूनिट्स वेलोसिटी के हैं तो बाकी टर्म्स के भी सबके यूनिट्स जो है वेलोसिटी वाले ही होंगे। तो इस प्रकार से दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ यूनिट्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक भी टर्म के यूनिट्स बाकी टर्म्स के यूनिट्स से अलग आ रहे हैं, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस एक्सप्रेशन। सो दिस एक्सप्रेशन डू नॉट स्टैंड डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो हम उसको डायमेंशनल बेसिस पर हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, दिस इज नॉट ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोलता है, इफ वन सेज
that the volume of a cylinder with radius r and height h is given by pi r cube h. Volume is given by pi r cube h. इस रिलेशन से दिया जाता है. तो आप इसको कैसे चेक करेंगे कि ये ठीक है या गलत? हाउ विल यू प्रूव इट और हाउ विल यू डिसप्रूव इट? तो इसको डिसप्रूव करने का हमारे पास एक ही तरीका है. हम इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे. वी लुक इनटू दिस डायमेंशनली एंड बाय लुकिंग इनटू दिस डायमेंशनली वी कैन ओनली से वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. पाई पता है हमें क्या होती है. पाई इज अ कॉन्स्टेंट, इट्स अ प्योर नंबर. सो पाई हैज नो डायमेंशन, तो हम इसको छोड़ देते हैं और सिर्फ वॉल्यूम की जो डायमेंशन होती है दैट इज एल क्यूब, पाई को ड्रॉप कर देंगे. आर क्यूब मीन्स लेंथ क्यूब, हाइट अगेन लेंथ, दिस इज एल. अब यहाँ पे एल क्यूब है और यहाँ पे एल की पावर फोर है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल. Yeah, these are not equal. When these are not equal, we say that this formula has discrepancy. So, kuch gadbad. This formula is wrong. So, this is disproved. ठीक है? फिर पूछता है, what is difference between dimensional formula and dimensional equation? Dimensional formula एक simple expression होता है. खाली इसको देखेंगे तो dimensional formula. मगर जब equal to के साथ हम किसी के साथ इसको equate कर रहे हैं, तो ये पूरी एक dimensional equation बन जाती है. This is called dimensional equation. ठीक है, फिर कहता है find the dimensional formula for momentum and angular. And given by mass into velocity. Momentum is given by mass into velocity. So dimensions of momentum will be mass is m. Velocity is L t minus 1. So that becomes the dimensions of momentum. Then angular velocity. Angular velocity ko hum represent karte hain omega. That is angular velocity. अब एंगुलर वेलोसिटी एज दी नेम स्टेट्स एंगल कवर हो रहा है. कोई बॉडी रोटेट हो रही है और उसमें एंगल कवर हो रहा है किसी स्पीड से. तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम. तो ओमेगा क्या हो गया हमारा, this omega is equal to theta upon t. Now theta is an angle which is always taken in radians. So radian as such ki koi dimension nahi hoti. Radian is a pure number, angle is a pure number, and it is ratio of two lengths l upon r. So it has no dimension. Theta is a dimensionless quantity. So dimension kiski bachi fir, khali time ki bachi. So this is equal to 1 upon t or t power minus 1. So it is per second. Dimensions of angular velocity is per second. Or per second, हमें पता है frequency की भी dimensions होती है. Per second frequency भी होती है. तो इसको हम angular frequency भी कहते हैं. This is angular frequency. इसकी डायमेंशन पर सेकेंड. इस प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी की आप डायमेंशन बताएंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक डायमेंशनली द फॉलोइंग इक्वेशंस, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l बाय g. ये l बाय g, इसको 1 बाय g नहीं पढ़ना है, l बाय g पढ़ना है. और जो b पार्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, ये आप कर देना, लास्ट क्लास में हमने इसको किया था. सिक्स में है, शो दैट द रिलेशन between distance, velocity and acceleration a and time t is given by s is equal to ut plus half a t square. ये भी हमने last class में check की थी, ठीक है, और ये dimensionally correct है. आप इसको लिख के करके दिखाएंगे उसमें.
Then next question is, अब ये कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ डू वी डू दिस। ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है जो आपको सिखाना है, डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं इसको। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव एन एक्सप्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन। हमें ये पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो कौन कौन से फैक्टर है और उन फैक्टर्स का फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को रिजल्ट करने में कितना रोल है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम डायमेंशंस के बेसिस पर इस चीज को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये सेवन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। यूजिंग द मेथड्स ऑफ डायमेंशंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन, इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स वी थ्रू मीडियम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मैंने पहले लिखा था वाई, उसकी जगह अब यहां पे दिया हुआ ई, तो इट डिपेंड्स ऑन ई ऑफ मीडियम एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम डी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम डी, ठीक है। ये दो चीजें दी हुई हैं, कहता मान लो वेलोसिटी ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल लो चाहे ट्रांसवर्स लो, कोई भी वेव हो सकती है, किसी भी मीडियम में से वो जब जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो उस मीडियम का इलास्टिसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करती है, और मीडियम की खुद की डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करती है। अब कितनी डिपेंड करती है ये हमें नहीं पता, हमें डायमेंशनल एनालिसिस से यही फाइंड करना है कि कितनी डिपेंड करती है। तो हम मान लेते हैं ई की पावर है, ठीक है, अब ये एक पावर है या ई का स्क्वायर है या ई का क्यूब है या ई का स्क्वायर रूट है, किस पर डिपेंड करती है वो इससे पता चलेगा अभी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और डेंसिटी पे कितना डिपेंड करती है पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं ये बी। So, velocity is proportional to elasticity raised to the power a, density raised to the power b. इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये स्टेटमेंट से हमने पिक करके लिखा है। और v is equal to some constant k, e to the power a and d to the power b. Now, this is a constant which is a dimensionless quantity. Equal to sign लगाने के लिए हम constant लगाते हैं, हम यहाँ से direct भी कर सकते हैं। Now we will replace both sides of this equation by respective dimensions. इनके दोनों साइड में हमें डायमेंशन से रिप्लेस करना है क्वान्टिटीज को। Now this is velocity and dimensions for velocity is L T minus 1 is equal to k dimensionless quantities का कोई रोल नहीं है। फिर E क्या है, E is elasticity and elasticity is as good as stress. स्ट्रेस इज प्रेशर, तो प्रेशर के यूनिट्स क्या देखे थे हमने, दिस इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू रेज टू द पावर डी। क्या है हमारे पास, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी डायमेंशन होगी एम एल माइनस थ्री रेज टू द पावर डी। ओके, अब हम लाइक क्वांटिटीज को इकट्ठा कर देंगे, पावर्स को इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। अब हम सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे यहाँ पे ताकि ए और बी की वैल्यू मिल जाए हमें। नाउ दिस इज इक्वल टू एम टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, दिस कैन बी रिटन एज एम रेज टू द पावर ए प्लस, एम की पावर ए इंटू एम की पावर बी इज एम की पावर ए प्लस। फिर एल की पावर माइनस ए भैया एल की पावर माइनस थ्री, फिर यहां से टी की पावर माइनस टू, यही है, फिर जब कुछ और भी है, यहां से एम और एम हमने इकट्ठा कर दिया, यहां से एल माइनस ए, यहां से एल माइनस थ्री भी पावर में इकट्ठा कर दिया, फिर यहां से टाइम बचा, टाइम माइनस टू है ये पीछे। अब यहां पर क्या है, यहां पे एम की पावर जीरो है, एल की पावर वन है, टी की पावर माइनस वन है। सो व्हेन वी कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज
ये बराबर कब होंगे? जब a प्लस बी जीरो होगा, जब माइनस ए माइनस थ्री बी वन होगा, माइनस टू ए माइनस वन होगा। तो सबसे पहले हम इसी को लेते हैं, माइनस टू ए इज माइनस वन। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वी हैव माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन, सो माइनस क्रॉस मतलब ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू। इजी। अब m की पावर जीरो है, m की पावर a प्लस बी है, मीन्स a प्लस बी इज जीरो, a प्लस बी इज जीरो। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो b क्या होगी? माइनस ए, दैट इज माइनस हाँ। तो हमारे पास था भी a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, दो की तो वैल्यू निकालनी थी हम, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स e टू द पावर हाफ d to the power minus half. So how do we write this? K times e upon d root. ये हमारा formula बन गया velocity of waves in a medium which has coefficient of modulus of elasticity e and density d. ठीक है, so this becomes the formula. तो ये formula इस प्रकार से हम derive कर लेते हैं। ये चीज समझ में आई? How we have to derive this formula? So this is how this formula is to be derived. So dimensional analysis में ये चीज आती है, इस प्रकार से इसको derive कर लेते हैं। अब dimensionally correct हो गया, k कैसी quantity है? Constant quantity है। अब k कितना होगा ये नहीं पता, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, पाई बाय टू होगा, पाई बाय एट होगा, पाई बाय सेवन होगा, पाई बाय थ्री होगा, या पाई का कुछ टर्म होगा भी या नहीं होगा, या कुछ और होगा, टू बाई फाइव होगा, थ्री डायमेंशनल एनालिसिस हमें k की वैल्यू नहीं देती। बेशक ये डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है, बेशक ये डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है, मगर ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है जब तक k की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस हमें k की वैल्यू नहीं देती, कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं देती। डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये भी नहीं बताती कि किसी भी फार्मूले के अंदर एक ही टर्म आएगी या एक से ज्यादा टर्म आने वाली है। अगर इससे ज्यादा टर्म है तो फिर इसका भी नहीं पता चलता, ये सेकंड लिमिटेशन है इसकी। तो डायमेंशनल एनालिसिस की ये कुछ लिमिटेशन है, बहुत हैंडी टूल है, चेक करने के लिए हैंडी टूल है, एग्जैक्टनेस यहाँ से नहीं पता ही जा सकता। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सेवन्थ किया हमने, सेवन्थ एट ने ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा था टेंथ में, टेंथ में नहीं पढ़ा था, नाइन्थ में पढ़ा था, पढ़ा था, ध्यान है ये ग्रेविटेशन? हाँ जी, ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा था, ध्यान है कुछ? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एन एम टू, अंशु जतिन नितिन सर, थोड़ा 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 ध्यान है। उसमें हमने कैपलर्स लॉस पढ़े थे, Kepler's laws of planetary motion. उसमें थर्ड लॉ था लॉ ऑफ पीरियड्स, ये क्वेश्चन उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स उस पर क्वेश्चन डिपेंडेंट है, तो हमें लॉ ऑफ पीरियड्स प्रूव करना है, वो वाला जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का प्रूफ हमें करना है डायमेंशनली चीज चेक करके। तो स्टेटमेंट कहती है ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, the time period of revolution t of the planet depends upon, तो क्या चीज डिपेंड कर रही है? टाइम पीरियड डिपेंड कर रही है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन पहली चीज है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मीन्स इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट।
mass of the sun, mass of the sun and gravitational constant g. Gravitational constant g. तो हमें ये प्रूव करना है, शो दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि केपलर थर्ड लॉ, दिस इज केपलर थर्ड लॉ, इट इज नेम्ड एज लॉ ऑफ पीरियड्स. इस साल भी ये ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर है, उसके अंदर हम इसको दोबारा करेंगे. ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है. नाउ हाउ डू वी डू दिस. अब ये तो हमें बता दिया कि जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री क्वांटिटीज, बट इन तीनों का कितना रोल है ये नहीं पता चल रहा है यहाँ से. तो हम क्या ज़ूम कर लेते हैं, लेट दिस इज आर रेस टू द पावर ए, एम रेस टू द पावर बी एंड जी रेस टू द पावर, ऐसे ज़ूम कर लेते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज टाइम पीरियड. अब इसको डायमेंशनली अगर हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग दिस इनटू डायमेंशंस, तो टी को हम क्या लिखेंगे टाइम पीरियड को, विल राइट टी इज इक्वल टू आर रेडियस. रेडियस क्या चीज है, रेडियस द लेंथ, राइट. सो दिस इज लेंथ रेस टू द पावर ए, दिस इज मास एम, मास ऑफ सन रेस टू द पावर बी एंड दिस इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के हमने यूनिट्स निकाले थे लास्ट टाइम, इसके डायमेंशंस क्या था, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर. एफ क्या है, फोर्स, फोर्स के डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, मास इनटू एक्सीलरेशन इज फोर्स, दिस इज एल स्क्वेयर एंड दिस इज एम स्क्वेयर. सो दिस इज एम पावर माइनस वन एल क्यूब टी की पावर माइनस टू, ये चीजें आपको पुट हुई, एम माइनस वन एल क्यूब T की पावर माइनस रेस टू दी पावर. ठीक है, यहां तक समझ में आया. अब टाइम और आर के बीच में रिलेशन प्रूव करना, टाइम और आर के बीच में रिलेशन प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं किसी तरीके से ए पहले निकाल देता हूं तो फिर मुझे बाकी चीजों के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं. ठीक है, I will try to find A first. अब उसके लिए पहले मुझे इनको कलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक क्वान्टिटीज को कलेक्ट कर लो. सो दिस इज टी टू द पावर वन इज इक्वल टू एल की पावर क्या कहेंगे, एल की पावर ए, और यहाँ से क्या है, एल की पावर थ्री सी प्लस थ्री सी, फिर मास, मास की पावर बी माइनस सी, फिर टाइम टी, टी 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 सिर्फ यहां पर टी की पावर माइनस टू. ठीक है, सो व्हाट डू वी सी हियर, टाइम की पावर है माइनस टू सी, टाइम की पावर है वन, इसका मतलब माइनस टू सी शुड बी इक्वल टू वन. कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, माइनस टू सी इज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाय टू. अब यहाँ पे एल की पावर क्या है, जीरो, सो ए प्लस थ्री सी क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू माइनस थ्री और सी की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, सो माइनस थ्री इंटू माइनस हाफ इज इक्वल टू थ्री बाई टू, एक ही वैल्यू आ गई है, राइट. देयरफॉर वी कैन राइट टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू द पावर थ्री बाई टू. अब इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. So that gives me the result. Hence we can say yes, the square of time period of rotation of the planet around the sun is
directly proportional to the cube of the average radius of the orbit of the planet. ठीक है, ये कैपिटल थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस प्रकार से ये प्रूव होता है. ठीक है, देन नाइन्थ क्वेश्चन. This ninth question, जिसकी ये बात कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, वो एक पॉइसन फॉर्मूला है. सीरीज फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन के लिए स्टेटमेंट दी इसने, जो कि है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. अब ये बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैसे पता लगा, ये कैसे पता लगेगा किस स्पीड से पानी आ रहा है? तो पर यूनिट टाइम कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, पर यूनिट टाइम कितना पानी इकट्ठा हो रहा है उसके वॉल्यूम से ये पता चलता है. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय द वॉल्यूम कलेक्टेड पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. मतलब एक बाल्टी तीन मिनट में भर गई, एक बाल्टी तीन मिनट में भर गई, राइट? बाल्टी में आते हैं 12 लीटर, अब 3 मिनट में कितने सेकंड? 180 सेकंड. तो 12 लीटर को 180 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो कितने लीटर पर सेकंड आ रहा है वो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा आपका, रेट ऑफ फ्लो लिक्विड. तो कहते हैं ये वाली जो क्वांटिटी है वॉल्यूम अपॉन टाइम वी अपॉन टी, ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट. रेस्ट ऑफ द पावर है ए निकालना है यहाँ पे, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज फ्लोएबिलिटी ऑफ द लिक्विड, मान लो ये बी है, एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर ऑफ द कैपिलरी. इसका मतलब ये हो गया कोई टैंक है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे दूसरा कंटेनर है, यहाँ पे पतली सी पाइप आपने लगाई हुई है, पतली सी पाइप है और इस पाइप में से पानी इसको कलेक्ट हो रहा है, तो इसका रेडियस आर. ठीक है, यहाँ पे अंदर प्रेशर रोजीएच के बराबर है हाइट के हिसाब से और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दिस प्रेशर, ठीक है, ये रोजीएच, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया, तो दैट प्रेशर डिफरेंस अपॉन दिस लेंथ, ये हो गया पी अपॉन एल. लिक्विड कौन सा है, उस लिक्विड की फ्लोएबिलिटी क्या है, वो है ईटा, और ये हो गया आर रेडियस. ठीक है, पतला होगा तो धीरे धीरे आएगा और बड़ा कर देंगे तो तेजी से आ जाएगा. तो इन चीजों पे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये सारी चीजें. ठीक है, अब एबीसी निकालना कि एबीसी होगा कितना, हाउ मच विल दिस बी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. ये जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, दवा इंजेक्ट करते हैं, उसकी जो सुई होती है वो सुई कितनी बारीक होनी चाहिए उसकी कैलकुलेशन यहाँ से होती है. ठीक है, क्योंकि कोई तेजी से दबाए, कोई धीरे दबाए, कोई कैसे ही दबाए, जो फ्लो ऑफ लिक्विड बॉडी के अंदर जा रहा है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो प्रेशर उस पर लगाएगा वो डिपेंड कर सकता है, कोई ज्यादा लगा रहा है कोई कम लगा रहा है. अगर अगर लिक्विड एकदम से बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो अंदर से फैल जाएगा, वो मसल को रक्चर कर देगा, फाड़ देगा,
ठीक है, फर्स्ट स्लोली धीरे 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 जाना चाहिए और अंदर धीरे धीरे फैल जाना चाहिए, ठीक है, बिना मसल को डैमेज किए। तो सिरिंजेस की जो है निडल है उनकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से मेंटेन की जाती है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो वी कन्वर्ट दिस इनटू डायमेंशंस, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज टाइम। वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा? वॉल्यूम के डायमेंशंस बताओ फटाफट। एल क्यूब अपॉन टी है तो ये हो जाएगा एल क्यूब टी माइनस वन इज इक्वल टू, प्रेशर के डायमेंशंस क्या होंगे? एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन लेंथ, लेंथ ऊपर आएंगे तो माइनस टू हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ईटा, मैंने बताया था अभी ईटा की डायमेंशंस क्या है, प्रेशर की ही डायमेंशन है, प्रेशर इनटू टाइम, सो दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इसकी पावर है ए, इसकी पावर है बी, और यह है रेडियस, रेडियस इज लेंथ, सो एल रेज टू द पावर ठीक है। नाउ सारी जो लाइक क्वांटिटीज है उनको गैदर कर लो तो क्या क्या आएगा, एम 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 की पावर यहां से ए, एम की पावर यहां से बी, ए प्लस बी, एल एल की पावर यहां से माइनस टू, ये ऊपर जाएगा माइनस टू, माइनस टू है, माइनस बी ठीक है, और टाइम नहीं यहां पे भी है प्लस सी, टाइम का हो गया माइनस टू है, टी की पावर माइनस टू है और टी की पावर माइनस टू ठीक है। सो कंपेयरिंग द पावर्स बोथ साइड्स ठीक है क्या मिलेगा, यहाँ पे तमास है नहीं तो ए प्लस बी इज जीरो, ए प्लस बी इज जीरो, फिर लेंथ माइनस टू है, माइनस टू है, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ की पावर है थ्री तो दिस इज इक्वल टू थ्री, टाइम क्या है बेटा माइनस टू है माइनस बी, माइनस टू है माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू है माइनस बी की वैल्यू क्या मिल गई हमें माइनस वन, ये मैं यहाँ से ऐसी की ऐसे पुट कर सकता हूँ इसको, यहाँ पुट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू थ्री और सी इज इक्वल टू फोर, ये समझ में आ गया, सी इज इक्वल टू फोर, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं माइनस टू है माइनस बी प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री, ये हो गया माइनस, हाँ इसकी जरूरत नहीं, सी इज इक्वल टू फोर आ गया मेरे पास। फर्स्ट और सेकेंड इसको लेंगे, ये ए बी में इक्वेशन है, ये भी ए बी में इक्वेशन है, तो आपस में सॉल्व कर सकते हैं राइट। तो इसको हम रीराइट कर लेते हैं, माइनस 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 हटा देंगे तो हो जाएगा टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन और यहाँ से आया ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सबट्रैक्ट कर दो बी से बी कट जाएगा, ये बचा ए इज इक्वल टू वन एंड इफ ए इज इक्वल टू वन तो बी क्या हो गया बेटा माइनस, समझ आया ये। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई वन, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन, सी की वैल्यू आ गई फोर राइट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू वन, ये वन है, ये माइनस वन है, सो वी अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन लेंथ रेज टू द पावर वन, तो वन ही छोड़ देते हैं, eta raised to the power minus 1 and r raised to the power 4.
और v अपॉन t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के p जो हो गया r टू द पावर 4 अपॉन ये हो गया l और ये हो गया थीटा, माइनस पावर नीचे ले आएंगे। अब ये कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 8 होती है v अपॉन t। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है, अलग अलग रेडियस की कैपिलरी से अलग अलग प्रेशर डिफरेंस रख के कैलकुलेट करके बार बार देख के k की वैल्यू क्या आ रही, 5/8 आ रही। p r टू द पावर 4 अपॉन l थीटा, दिस इज कॉल्ड पॉइसन्स फॉर्मूला। इसी असाइनमेंट में 14 क्वेश्चन है जिसमें बोला है इसकी डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करो। इसी तो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है तो इसमें डायमेंशन डाल के कंपेयर करके आप बता सकते हैं हाँ दोनों तरफ सेम आ रही है इसलिए ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। और ये अभी हमने इसको डिराइव कर लिया, ठीक है। थिंग्स आर डिराइव लाइक दिस। टेंथ क्वेश्चन देखिए, an artificial satellite of mass m is revolving in circular orbit around a planet, plane likha hua hai yahan pe p likh dena, planet of mass m and radius r, if the radius of the orbit of the satellite is r, justify by the method of dimensions that the time period of satellite is given by this formula। to ye hame derive nahi karna, hame ye justify karna, ठीक है। डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करनी है बोथ बोथ साइड्स। t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन r अंडर द रूट r क्यूब अपॉन g। टू पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। r जो है रेडियस ऑफ प्लेनेट है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। फिर लेंथ होगी, ये वाली आर हाइट है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हाइट है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन भी लेंथ होगी। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थ का जैसे होता है, इसकी डायमेंशन होंगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एल टी माइनस टी। ये वाली सब वैल्यू पुट करके आपको ये शो करना है कि देखो इसकी डायमेंशन भी टी ही आती है, टाइम ही आता है, ठीक है। इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, ठीक है। ये भी सॉल्व करके बताएं आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक फटाफट करें इसको। सॉल्व करके बताएं बेटा इसको। आ रहा है बेटा,
this is T, this is 1, this is the dimension, our radius is the length, this is length cube, and this is LT minus 2. इसको सॉल्व करके बताना, ये देखो टी आता है. हो गया बेटा, किसको नहीं आ रहा बताओ, पूछो. नहीं सर, हो गया. ओके सर, हो गया. जतिन हुआ बेटा? जतिन यस सर, हो गया. अंशु से हुआ बेटा? यस सर. ओके शाबाश. सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक्स ध्यान रखो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, एक क्वेश्चन और आप करके करके बताएं. कहता है एक गैस बबल है, आपने देखा पानी के अंदर एक बबल छोड़ते हैं तो क्या करता है, वो सरफेस पे भाग के आ जाता है. ठीक है, अब वो बबल क्या हुआ, पानी के अंदर बर्स्ट हो गया, फट गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी के अंदर तरंगे आ गई. ठीक है, पानी के अंदर तरंगे आ गई. कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो पानी के अंदर कैसे फैलता है, वो तरंगों की तरह फैल जाती है. कहते हैं गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर द वाटर ऑसिलेट्स. पानी के नीचे कोई एक्सप्लोजन हुआ और उसमें से गैस बबल निकला और वो ऑसिलेट कर रहा है, वो बबल ऑसिलेट कर रहा है, पानी के अंदर ऑसिलेट कर रहा है. अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद ए पीरियड टी, उसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो है टी एंड इज प्रोपोर्शनल टू पी रेस्ट टू द पावर ए d raised to the power b and e raised to the power c. p है प्रेशर, d है डेंसिटी एंड e है एनर्जी. e है एनर्जी, पहले हमने e जो लिया था वो इलास्टिसिटी थी, ये इलास्टिसिटी नहीं, ये एनर्जी है. पी है प्रेशर, डी है डेंसिटी, ई है एनर्जी. ठीक है, अब इन तीनों की डायमेंशन आपको मालूम है. प्रेशर की डायमेंशन एम इंटू एल माइनस वन इंटू टी माइनस टू, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो एम एल माइनस थ्री. एनर्जी वर्क, इसकी डायमेंशन सेम होती है, तो एम एल टू टी माइनस टू, ये वाली इसकी डायमेंशन. ये डायमेंशंस पुट करके आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, यहाँ पे है टाइम पीरियड, मास जीरो है, लेंथ जीरो, टी की पावर वन है, तो इसको दोनों को कंपेयर करो और ए बी सी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, सॉल्व करो इसको. कुछ भी डाउट है, किसी भी स्टेप पे डाउट है तो तुरंत पूछो, मैं बता दूंगा आपको. कर दोगे बेटा ये? हाँ जी, पुश कर लोगे बेटा? यस सर. करो शाबाश. जतिन, नितिन? यस सर. चलो बेटा ट्राई करो, किसी भी स्टेप पे दिक्कत है तो एकदम से पूछना है, वेट नहीं करना. प्रेशर की डायमेंशंस बताइए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. डेंसिटी की डायमेंशंस हैं
एम एल माइनस थ्री और एनर्जी की डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टी। सर आ गए। आ गए, वेरी गुड। क्या क्या वैल्यू आई बेटा? सर 1/3, 2/3 और 1/2। वन बाय थ्री, टू बाय थ्री, वैल्यू क्या आई है? ए की वैल्यू सर 2/3। अच्छा, बी की वैल्यू सर 1/2। सी की वैल्यू 1/3। चेक कर दे तू मेरा, मुझे सर ए की वैल्यू -5/6 आ रही है। हाँ, ए की वैल्यू -5/6 आनी चाहिए। और बी की वैल्यू बाकी सेम है। यस सर, सेम है। बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 1/3। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। इस प्रकार से हम फॉर्मूले बना लेते हैं, और फिर इन फॉर्मूलों के हिसाब से इसकी इनकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इसकी और इसकी जो रेशियो है वो एक कॉन्स्टेंट आती है। इसकी रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट आती है। वो जो कॉन्स्टेंट रेशियो होगी वो के की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर वो चीज फुलफिल नहीं हो रही है, इक्वेशन पूरी नहीं बन पा रही है, टेस्ट नहीं हो पा रही है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इसके साथ कुछ और टर्म्स भी इन्वॉल्व होंगी, जिसका यहाँ से पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, वो इस बात की गारंटी नहीं करती कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है, मगर जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो इस बात की गारंटी करती है कि ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं मैं, कोई भी स्टेटमेंट जो डायमेंशनली करेक्ट है, कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। ठीक है, क्योंकि वहां कॉन्स्टेंट का ज्ञान नहीं होता हमें, और एक से ज्यादा टर्म है या नहीं इसका ज्ञान नहीं होता। मगर कोई इक्वेशन जो ऑलरेडी पहले से ही एग्जैक्ट है, ठीक है, वो इस बात की गारंटी देती है ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। ठीक है, तो ए करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट इट्स सिंपली डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एन एग्जैक्ट इक्वेशन, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक तो ये वाली असाइनमेंट पूरा कर लेना, ठीक है, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देना, सारे एग्जांपल्स एक बार ट्राई कर लेना, और इसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन ट्राई कर देना। ये सारे आपको अपने आप कर देना, इसमें जो जो नहीं आ रहा पूछा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मगर जो चीज डुएबल है आपकी रेंज में वो अपने आप करके खत्म कर दूंगा।
ठीक है, अननेसेसरी उनको मैं यहाँ डिस्कस करके उस टाइम को हम कहीं और जगह इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा करना। ठीक है, इसको कुछ कहना है बताना है? किव्यांशु तुम्हारा यही वाला चैप्टर है फिजिक्स का जो आ रहा है टेस्ट? यस सर, ये भी आ रहा है। हैं? आ रहा है सर ये भी। ये वाला चैप्टर आ रहा है। मैथ में तुम्हारे शायद ज्यादा चैप्टर्स। यस सर। वो कर लिया आपने, रिवाइज कर लिए वो सारे? हाँ सर, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक चल रही है उसमें तो। स्कूल में? नहीं सर, रिवीजन में। अच्छा ठीक है बेटा। उसमें बीच में बाय चांस कुछ कहीं से पूछना हो तो आप अलग से पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। चलो ठीक है बेटा, ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसका टेस्ट प्लान करेंगे और साइमल्टेनियसली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय देन।